दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक बेहतरीन इंसान और गेंदबाज भी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच में आते ही शमी ने अपनी रफ्तार से एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो आज तक कोई और भारतीय बना ही नहीं पाया। आखिरकार कैसे बुमराह से लेकर बड़े बड़े गेंदबाजों को, दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए आज शमी ने बैक टू बैक विकेट लेकर ये बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। आपको शमी की गेंदबाजी और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी, बुमराह और उमरान मलिक में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में रायपुर के मैदान में सीरीज का दूसरा वनडे मैच शुरू हो चुका है, या फिर यूं कह लीजिए शमी का शो भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज तो मैदान में न्यूजीलैंड की टीम को खदेड़ने वाले, सबसे महत्वपूर्ण विकेट लेने वाले और भारत को लगभग जिताने वाले और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद शमी हैं। दोस्तों, पहले ओवर में कैसा लगे जब आपको बताएं कि शून्य पर हमने न्यूजीलैंड का पहला विकेट लिया था, लेकिन ये विकेट और किसी ने नहीं बल्कि मोहम्मद शमी ने लिया जब उन्होंने पहले ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन को जीरो पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। लेकिन ये केवल एक बड़ी पिक्चर की शुरुआत थी, आगे चलकर सिराज ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने हेनरी निकल्स का विकेट अपने नाम कर लिया था। लेकिन असली विकेट शमी ने दोस्तों अगले ओवर में निकाला जब उन्होंने टेरिल मिशेल को कॉट एंड बोल्ड करके सबको चौंका के रख दिया था। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर शमी ने वो विकेट दिलाया जिसकी भारतीय टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो अकेला खिलाड़ी पिछले मैच में 78 गेंदों के अंदर लगभग 150 रन बनाकर गया था। जी हाँ, आपने सही पहचाना, बात ब्रेसवेल की कर रहे हैं। 200 पारी के 19वें ओवर में जब ब्रेसवेल मैदान में सेट होना चाह रहे थे तो शमी ने एक फुल लेंथ गेंद डालकर उन्हें पूरी तरीके से ट्रैप में फंसा दिया। वो पुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन उनके बल्ले का एज लेकर गेंद चली गई पीछे सीधा ईशान किशन के हाथों में और वो कैच आउट हो गए। 30 गेंदों में 4 चौके चढ़ने वाले ब्रेसवेल का विकेट कुछ इस कदर शमी ने हमें दिलाया। और दोस्तों, ब्रेसवेल का विकेट लेते ही इस मुकाबले में शमी के 3 विकेट तो हुए हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो कि आज तक फिलहाल तो किसी भी भारतीय गेंदबाज के नाम नहीं है। दोस्तों, वैसे तो वनडे में शमी के नाम 150 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं, लेकिन भारत में कितने विकेट हैं वो मायने रखता है। भारत की सरजमी पर शमी के नाम दोस्तों ये विकेट लेते ही पूरे 51 विकेट दर्ज हो चुके हैं। उनसे पीछे दोस्तों बुमराह आते हैं जिन्होंने 40 विकेट अभी तक ले रखे हैं और कोई तो इस दौड़ में आसपास भी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इनसे पहले ये कारनामा केवल जोगल श्रीनाथ ने किया था। ये रिकॉर्ड दर्शाता है दोस्तों कि शमी में कितना क्रिकेट, कितनी गेंदबाजी बची है। उनकी उम्दा गेंदबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है, लेकिन दोस्तों आप सभी उनकी इसी शानदार गेंदबाजी और उनकी रफ्तार के साथ साथ इस रिकॉर्ड को भी 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।